السلام عليكم. फ्लैट का टॉपिक स्टार्ट किया था, इसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी भी मटेरियल के एटम्स की या न्यूक्लियाई की तादाद अगर इनिशियल क्वांटिटी से आधी रह जाए और बाकी आधे डिके कर जाएं तो उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कौन सा एटम किस टाइम में टूटना है, लेकिन ये पता होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद एटम्स की तादाद आधी रह जाएगी। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे हाफ लाइफ को एक सिंबल दिया था, और हाफ लाइफ का सिंबल क्या था, वो था टी हाफ। इसके अलावा नंबर ऑफ हाफ लाइफ के लिए हम क्या साइन यूज कर रहे थे, वो यूज कर रहे थे हम एन। और टोटल टाइम के लिए सिंबल क्या यूज किया था, वो था टी। और रिलेशन क्या है, टी इज इक्वल टू इंटीग्रल नंबर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ। इस इक्वेशन को कोई नंबर दिया था, अब नंबर कल वाले मुझे याद नहीं है, मैं वैसे नंबर दे रहा हूँ कि ये इक्वेशन लेट से इक्वेशन नंबर वन है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि जो लैम्डा डिके कांस्टेंट और इसके अलावा टी बाय 1 बाय 2 का प्रोडक्ट है वो 0.693 होता है। इस इक्वेशन की हमने बात की थी, ये भी मैं आर्बिट्रेरी नंबर ले रहा हूँ दे रहा हूँ, लेकिन वो आपने कल वाले ही लिखने। इसके अलावा हमने लैम्डा का एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था, जो क्या था, जो था डेल्टा एन ओवर एन नॉट डेल्टा टी। यहाँ पे अब डेल्टा टी टोटल टाइम है, एन नॉट एन ओरिजिनल एटम्स हैं, डेल्टा एन डिकेइंग एटम्स हैं। जबकि हमने कहा था कि ये वाला फार्मूला हमने किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए यूज नहीं करना, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इस जगह के ऊपर इस फार्मूले को यूज नहीं करना है। इसका नॉमेनक्लेचर भी ओवर है कि हमारे पास जो एन है वो ओरिजिनल एटम्स है, लेकिन आइंदा हम ओरिजिनल एटम्स किसे कहेंगे, हम कहेंगे ओरिजिनल एटम्स को सिंबल देंगे एन नॉट का, और जो रिमेनिंग एटम्स हैं, रिमेनिंग एटम्स या न्यूक्लियाई को मैं नाम दूंगा एन का, जबकि यहाँ पे एन ओरिजिनल एटम्स हैं। और इसके अलावा डिकेइंग एटम्स का सिंबल क्या होगा, डिकेइंग एटम्स का सिंबल होगा डेल्टा एन, जो कि क्या होगा, डेल्टा एन होगा एन नॉट माइनस एन, जबकि यहाँ पे ये क्या था, ये था एन माइनस एन नॉट, क्योंकि यहाँ पे सिंबल इस फॉर्मूले के अंदर दूसरे यूज किए गए। इसके बाद हमने ग्राफ डिस्कस किया था, और ग्राफ में हमने ये बात कही थी कि अगर हमारे पास एक सर्टन एलिमेंट है और उसके अंदर इस तरीके से यहाँ पे टाइम चल रहा है, इधर हाफ लाइफ है जीरो, इधर कितनी है टी वन बाय टू, यहाँ पे है लेट से टू टाइम्स टी वन बाय टू, फिर है थ्री टाइम्स टी वन बाय टू, फिर है फोर टाइम्स टी वन बाय टू, और इधर मौजूद है हमारे पास एन नॉट एटम्स, तो एक हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे, वो रह जाएंगे एन नॉट बाय टू, फिर यहाँ पे कितने रह जाएंगे, ये रह जाएंगे n नॉट बाय 4, फिर कितने रह जाएंगे यहाँ पे इस जगह के ऊपर, वो होंगे n नॉट बाय 8, और उससे भी आगे में यहाँ पे कितने होंगे, वो होंगे n नॉट बाय 16। तो इन पॉइंट्स को मिलाया था, और मिलाने के बाद इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया था, तो पता चला था कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक नेगेटिव एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है, क्योंकि एक्सपोनेंट का फंक्शन होता है, एक्सपोनेंट 2.17 कहलाता है। एक्सपोनेंट नेचुरल लॉगरिथम की बेस है, जिस तरीके से आम लॉगरिथम की बेस जो है वो क्या है, वो 10 है। तो ये हमारे पास ग्राफ है। अब लेट्स से मैं कहता हूं कि अगर किसी जगह के ऊपर ओरिजिनल एटम्स की तादाद 100,000 है, ठीक है, 100,000 एटम्स की तादाद है, तो अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास एक हाफ लाइफ गुजर गई है, तो फिर रिमेनिंग एटम्स कितने होंगे, वो होंगे हाफ ऑफ एन नॉट, दैट मीन्स वो कितने होंगे 50,000। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि एक और हाफ लाइफ गुजर गई है, और टोटल गुजरने वाली हाफ लाइफ की तादाद इनिशियल के मुकाबले में कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे एक दफा मजीद जो रिमेनिंग एटम्स है उनका हाफ होगा, दैट मींस ये बनेगा 1/4 टाइम्स एन नॉट, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25,000। फिर अगर एक और हाफ लाइफ गुजरती है, तो रिमेनिंग एटम्स जो है वो 1/2 टाइम्स 1/4 एन नॉट बनेंगे, दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/8 एन नॉट, और वो कितना होगा, वो होगा 12,500। उसके बाद फर्दर एक और हाफ लाइफ गुजरती है, टोटल हाफ लाइफ की तादाद 4 हो जाती है, तो जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है वो उसका भी हाफ होगी, और हमारे पास रिमेनिंग एटम्स की तादाद कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/16 टाइम्स एन नॉट, और इस केस में उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 6250। अच्छा, अगर ये 6250 है, तो यहाँ पे जीरो कब होगी, जीरो कभी भी नहीं होगी, क्योंकि ये लाइन कभी जीरो को अप्रोच ही नहीं करेगी। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस जगह के ऊपर एटम की ग्राफ 6250 है, तो ग्राफ दोबारा से बना लो,
इस जगह से ऊपर ग्राफ को दोबारा से जूम इन करो और आप दोबारा से यहाँ पे जब ग्राफ बनाओगे तो क्या लिखा नजर आएगा, सेम वही चीज नजर आएगी कि यहाँ पे टाइम चल रहा है और किसी एटम की हाफ लाइफ गुजर रही है, यहाँ पे एक हाफ लाइफ गुजर रही है, इधर है टू हाफ लाइफ, इधर है थ्री हाफ लाइफ, यहाँ पे है फोर हाफ लाइफ और इधर मौजूद है यहाँ पे एन नॉट, और अब की बार एन नॉट कितना है वो यहाँ से एंडिंग वाला 6250 है। तो भाई एन नॉट कितना है, अब एन नॉट है 6250, तो एक हाफ लाइफ मजीद गुजरेगी यहाँ पे। अगर टोटल कॉन्टिन्यूशन में चलाएंगे तो यहाँ पे 5 आएगा और फिर ओरिजिनल एटम जो है वो 100,000 होंगे, लेकिन अगर यहाँ से नया ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो एन नॉट 6250 है जो कि अभी की रिमेनिंग एटम है, और एक हाफ लाइफ के बाद ये कितने हो जाएंगे 1/2 टाइम्स एन नॉट, दैट मीन 3125 एटम। तो इस हिसाब से ये एन नॉट बनेगा और ये कितना बनेगा, ये बनेगा एन नॉट बाय 2। तो एक डॉट यहाँ पे आएगा, दूसरा डॉट आएगा इस जगह के ऊपर यहाँ पे, और उसके बाद एक और हाफ लाइफ गुजरेगी तो उसका भी हाफ होगा, एन नॉट बाय 4 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर दो हाफ लाइफ गुजरती है फॉर्मूला क्या होगा, एन इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1/2 एन नॉट, दैट मीन्स 1/4 एन नॉट, और वो कितना होगा इसका भी हाफ, कितना बनता है ये 1562.5। ठीक है जी, अब ये पॉइंट पे नहीं जाना कि 100,000 एटम में से आप पॉइंट पे कैसे पहुंच गए। आप लोग ये जानते हो कि किसी निडल की टिप के ऊपर भी बिलियंस की तादाद में एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, सो अब अगर एक और हाफ लाइफ गुजरती है तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 1/2 टाइम्स 1/4 एन नॉट, दैट मीन्स 1/8 एन नॉट बनेगा, और उस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो कितना होगा, वो होगा 781.25। तो उस वक्त हम यहाँ पे इस जगह के ऊपर पहुंच चुके होंगे कि ये दो हाफ लाइफ के बाद का टाइम है और जो ये वाला टाइम है ये है तीन हाफ लाइफ के बाद का टाइम। तो एक डॉट यहाँ पे आएगा, एक डॉट यहाँ पे आएगा, इधर लिखा होगा एन नॉट बाय 8 और उससे भी आगे यहाँ पे लिखा होगा एन नॉट बाय 16। एक और हाफ लाइफ अगर गुजरती है तो हमारे पास एन इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1/8 एन नॉट, दैट मीन्स 1/16 एन नॉट बनेगा और उसका आंसर कितना होगा 390.625। ठीक है जी, तो इस जगह के ऊपर इधर डॉट आएगा और ये जो डॉट है ये यहाँ पे इस तरीके से मीट करेगा, और अगर आप यहाँ पे कहो कि ग्राफ को लाइन मीट कर जाएगी तो नहीं मीट करेगी, दोबारा से ग्राफ बना लेना और अब की बार ओरिजिनल एटम की तादाद कितनी लिखनी है 390 लिखनी है। तो ये काम क्या तक खत्म नहीं होगा, इसलिए किसी भी रेडियस के आइसोटोप को डिके करने के लिए जो टाइम चाहिए वो इन्फिनिटी चाहिए, कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप किसी सूरत में भी कम्प्लीटली डिके कभी नहीं करता। और इसके अलावा इस हाफ लाइफ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर मैं कहता हूं कि एक सर्टन रेडियोएक्टिव आइसोटोप है और 5000 साल में उसके एटम्स की तादाद आधी रह जाती है तो आप उन एटम्स को भले फ्रीज कर लो, भले बॉयल कर लो, गैस फॉर्म में तब्दील कर लो, प्लाज्मा फॉर्म में तब्दील कर लो, जो मर्जी कर लो, आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर रहे हो, आप एटॉमिक स्टेट के बजाय मॉलिकुलर स्टेट में ले आओ, लेकिन वो तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस हैं। न्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर इनमें से किसी भी फैक्टर के तब्दील होने से कोई असर नहीं होना। ठीक है, सो आप कुछ भी कर लो, जो डेली लाइफ में आप काम करते हो आप कुछ भी कर लो, आप किसी आइसोटोप की किसी न्यूक्लियस के हाफ लाइफ की वैल्यू तब्दील नहीं कर सकते, ये कुछ अंदर मौजूद न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल ज्यादा होता है उसकी हाफ लाइफ कम होती है, और कोई ज्यादा स्टेबल होता है उसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वो बहुत देर से डिके करता है। तो ये तमाम के तमाम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हैं और ये एटॉमिक मास नंबर का फंक्शन है। तो इस तरीके से कोई भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप कभी डिके नहीं करता। इसकी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम की हालत कितनी है, चलिए रेडॉन की बात करता हूँ, उसकी हालत 20 है। ठीक है, और जमीन को बने अब तक कितना टाइम हो चुका है, वो हो चुका है तकरीबन 4.67 बिलियन ईयर्स हो चुकी हैं। इस दौरान करोड़ों की तादाद में हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, लेकिन अभी तक रेडियोएक्टिव आइसोटोप जमीन के अंदर खत्म नहीं हुए। ठीक है, सो जो हमारे पास रेडियम है, रेडियम की हाफ लाइफ 1620 है और वो अभी तक जमीन से खत्म नहीं हुआ, हालांकि उसकी करोड़ों हाफ लाइफ गुजर चुकी है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जमीन बनी होगी तो पूरी की पूरी ही तकरीबन रेडियोएक्टिव होगी, बड़ी तादाद में रेडियोएक्टिव आइसोटोप मौजूद होंगे। अच्छा, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1 किलोग्राम कोई रेडियोएक्टिव आइसोटोप है और आप उसको सेपरेट करके कायनात के दो डिफरेंट कोनों में भी रख दोगे ना, तो भी उसकी हाफ लाइफ गुजरने के बाद आधे आधे एटम्स ने डिके लाजमी करना है, उनको आप किसी सूरत नहीं रोक सकते जब तक कि आप उसके न्यूक्लियस में जाकर कुछ ना करो, कोई पार्टिकल स्ट्राइक करवा के कोई और आइसोटोप ना बना दो। लेकिन जब तक वो आइसोटोप एज सच रहेगा उसकी हाफ लाइफ उतनी की उतनी ही रहेगी। और यहाँ पे मैं ये बात भी बता दूं कि हम एटम के टूटने की बात कर रहे हैं, ये
स्पॉन्टेनियस डिके की बात कर रहा हूं, मैं खुद से न्यूक्लियर रिएक्शन इंड्यूस नहीं करवा रहा, तो जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है जो स्पॉन्टेनियस डिके है मैं उसकी बात कर रहा हूं। वरना आप एक स्टेबल आइसोटोप को भी कोई और न्यूक्लियस स्ट्राइक करवा के रेडियो एक्टिव बना सकते हो, लेकिन सारी बात तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि 1 किलोग्राम यूरेनियम है, साल में डिके करना है उसमें से कुछ पोर्शन ने, तो आप उनके पर बम्बार्ड करो न्यूट्रॉन्स को, वो फॉरन डिके कर जाएंगे, तो उससे उनका हाफ लाइफ तब्दील नहीं होगी, वो आप एक एक्सटर्नल फैक्टर से कंट्रोल कर रहे हो, किसी केमिकल फैक्टर से आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहरहाल हमने यहाँ पे देखा कि इस जगह पे इस फॉर्मूले तक आते आते हमारे पास एक फैक्टर आ रहा है कि अगर 4 हाफ लाइफ गुजर जाती है तो उस दौरान जो हमारे पास रिमेनिंग एटम्स हैं वो n0/16 होते हैं, या फिर वो क्या होते हैं, वो n0/2^4 होते हैं। तो फिलहाल तो n की वैल्यू 4 थी इसलिए 4 आया है। अगर n की वैल्यू n है तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा n=n0/2^n, या फिर n/n0=1/2^n। तो n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। अब अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास n की वैल्यू 4 है तो n/n0 क्या बनेगा, 1/2^4, दैट मीन्स 1/16। इस बात का मतलब यह है कि अगर किसी रेडिएक्टिव आइसोटोप्स की 4 हाफ लाइफ गुजर जाती हैं तो इस दौरान रिमेनिंग एटम्स कितने होंगे, हर 16 में से 15 डिके कर चुके होंगे और एक रिमेनिंग होगा, तो रिमेनिंग एटम की फ्रैक्शन, रिमेनिंग एटम की फ्रैक्शन 1/16 होगी। रिमेनिंग एटम्स की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/16 होगी, हर 16 में से 15 डिके कर चुकी होंगे और एक बाकी बचेगा। सो रिमेनिंग फ्रैक्शन 1/16 है और डिकेइंग फ्रैक्शन कितनी है 4 हाफ लाइफ के बाद, वो है 15/16। इसी तरीके से 5 हाफ लाइफ गुजरेंगी तो रिमेनिंग फ्रैक्शन जो है वो 1/32 और डिकेइंग फ्रैक्शन 31/32 बनेगा, एंड सो ऑन। बच्चों यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के टर्म में बात की है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत सारी फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे 2^n आपने लिखना है, ये फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूले को आप नाम दीजिए, कोई भी अगला जो नंबर है ना वो दे दीजिए इसको कल वाले टॉपिक के साथ से। ये किसके इक्वल है, ये है रिमेनिंग एटम्स ओवर ओरिजिनल एटम्स। इसके अलावा आप इसे कह सकते हो रिमेनिंग मैस ओवर ओरिजिनल मैस। जारी बात है मैस नंबर ऑफ एटम्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, जितने नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे मैस भी ज्यादा होगा। इसके अलावा जितने एटम्स ज्यादा होंगे उतने ज्यादा डिके भी करेंगे, और उतने ज्यादा डिके होंगे तो उनमें से उतने ही ज्यादा अल्फा बीटा गामा रेडिएशन या प्योर रेडिएशन इमिट होंगी, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनको काउंट कर रहा है वो ज्यादा काउंट करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो काउंट रेट रिमेनिंग है और जो काउंट रेट ओरिजिनल है आप उसको भी इसका एक्सप्रेस कर सकते हो। और अगर आप काउंट रेट को इंटेंसिटी कहना चाहते हो तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो i/i0 भी कह सकते हो। ये i0 क्या है, ये ओरिजिनल इंटेंसिटी है किसी भी काउंटर के ऊपर आने वाली, और ये रिमेनिंग इंटेंसिटी है। तो भाई जिस भी टर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया आप उस हिसाब से यहाँ पे रेशो n/n0 की जगह पे m/m0, c/c0, i/i0 या फिर कोई भी रेशो जिसका आपको नाम दिया गया वो इस जगह के ऊपर आप पुट कर सकते हो। ठीक होगी बात। अच्छा इस हिसाब से अगर मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, i/i0=1/2^n। रीअरेंज कर लें तो i=i0/2^n, या फिर i=i0/2^-n भी लिख सकते हैं। ठीक है, या और भी जो भी अरेंजमेंट हो सकती हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे n क्या है, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ है जो कि टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ के इक्वल है। इसके इक्वल है वो है टोटल टाइम और हाफ लाइफ के इक्वल है, उनकी रेशियो के इक्वल है। तो अगर आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ ना गिवन हो, आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ ना गिवन हो, नहीं नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपको ना गिवन हो, बल्कि आपको गिवन क्या हो, आपको गिवन हो टोटल टाइम, क्या गिवन हो टोटल टाइम, तो फिर रिमेनिंग इंटेंसिटी कितनी होगी, उसका फॉर्मूला आपको बता देता हूं, वो है i=i0e^-λt। इस इक्वेशन को भी नेक्स्ट कोई नाम लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिन जिन फॉर्मूलाज में आपको लगेगा कि वो पहले वाली इक्वेशन अप्लाई होनी थी, आपको जहां जहां पे भी लगेगा कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होना है आपने उसको अप्लाई नहीं करना, आपने इसको अप्लाई कर देना है, ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक आंसर दे देगी।
I is equal to I naught e की पावर माइनस लैम्डा टी है, यहाँ पे स्मॉल टी टोटल टाइम है या हाफ लाइफ नहीं है, स्मॉल टी टोटल टाइम है और सेकंड्स के अंदर लिखना है इसको आपने। और जो लैम्डा है वो लैम्डा किसके इक्वल आएगा, वो लैम्डा आएगा जो है वो क्या कहते हैं उस मटेरियल का डीके कॉन्स्टेंट होगा। और आपको ये भी बता दूंगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो लैम्डा और टी हाफ का प्रोडक्ट 0.693 होता है, तो ये जो है यहाँ पे नहीं अप्लाई कर देना, ये स्मॉल टी हाफ लाइफ नहीं है, ये टोटल टाइम है, ठीक है। तो लैम्डा मटेरियल का डिले कांस्टेंट है और टी टोटल टाइम है, तो रिमेनिंग इंटेंसिटी फाइंड आउट आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। बाकी भले आप इसको जो मर्जी लिखते रहो, आप इसे लिख लो एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इस तरह लिख लो, आप लिख लो सी इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इस तरह लिख लो, आप लिखना चाहते हो एम इज इक्वल टू एम नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, जो मर्जी तरीका यूज करना चाहो लेकिन आपने इस इक्वेशन को यूज करना है। और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन ओवर एन डेल्टा टी का फॉर्मूला कभी किसी न्यूमेरिकल के लिए यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी हाफ लाइफ की डिस्कशन थी, अगर कोई कंफ्यूजन यहां तक है तो पूछ लो। तो कह रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो जिस तरह से हमारे माइनस एक्सपोनेंशियल ग्राफ आ रहा है, तो इस ग्राफ को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं, क्योंकि ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है। अच्छा जी, जो नॉर्मली इमिटेड रेडिएशन है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, वो कौन कौन सी है, वो है अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशन। तो अगर मैं बात करूं अल्फा की, तो अल्फा का मोड ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है कि ये एक तो डायरेक्ट कोलिजन करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करता है, और दूसरा इसका जो स्ट्रॉन्ग फिनोमेना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, ठीक है। तो चूंकि इसके ऊपर चार्ज प्लस टू होता है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, चार्ज प्लस टू होता है, ये हीलियम के न्यूक्लियस है, टू फोर प्लस टू है, तो दूर मौजूद गैसेस के से ये जो है इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर लेते हैं। और क्योंकि नोबेल गैस है इसलिए यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है किसी भी दूसरे ऐसे एटम से जो कि हमारे पास जो है वो नहीं है, क्या कहते हैं, नोबेल गैस नहीं है, तो इसलिए ये अपने एटमोसफेयर से क्या करता है इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और उसके नतीजे में वो एटम क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। और इसके नतीजे में यहाँ पे इस जगह के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर या रेंज किसी भी मटेरियल में बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो प्रोमिनेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन से अल्फा पार्टिकल्स ज्यादा आयनाइज करती हैं, पेनिट्रेशन पावर या रेंज कम हो जाती है। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं तो सिर्फ स्किन के ऊपर बंद कर सकते हैं, बॉडी के अंदर पेनिट्रेट अल्फा पार्टिकल्स नहीं कर सकते। फिर उसके बाद बीटा पार्टिकल्स की बात करते हैं, बीटा पार्टिकल्स का मोड ऑफ क्या है आयनाइजेशन, वो है डायरेक्ट कोलिजन, और इसके अलावा दूसरा मोड वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, ठीक है जी। तो इसमें जो डायरेक्ट कोलिजन वाला फिनोमेना है वो ज्यादा इन्वॉल्व होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन जो है वो कम इन्वॉल्व होगा, कि बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चलते हुए इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, और टकराने के दौरान क्या करते हैं, उनको नॉकआउट कर सकते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएं, अगर वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएं तो जाहिर बात है वो फिर क्या करेंगे कि वो वहां से आयोनाइज हो जाएंगे एटम्स। तो ये तरीका है कि मोड ऑफ आयोनाइजेशन का। और अगर ये बीटा पॉजिटिव हो, पॉजिट्रॉन हो, तो किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा के उसको एनाइलेट कर सकते हैं और वहां से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आयोनाइजेशन जनरेट हो सकती है, ऑब्वियसली उस केस में गामा रेडिएशन जनरेट होंगी। तो ये बीटा पार्टिकल का मोड ऑफ आयनाइजेशन है, क्योंकि कोई हीलियम पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल की निस्बत तकरीबन 4 into 17 36 टाइम्स हैवी होता है, ठीक है।
इसलिए अल्फा पार्टिकल जैसे ही हीलियम गैस में तब्दील होते हैं, दो दिन क्रूज करके रुक जाते हैं और आगे नहीं जाते। लेकिन बीटा पार्टिकल जो है, क्योंकि इनका साइज बहुत कम होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन अल्फा पार्टिकल की निस्बत बहुत कम है इनका, तो ये किसी भी मटेरियल में कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा दूर तक एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, सो अल्फा पार्टिकल की जो रेंज या पेनिट्रेशन पावर है वो कम है बीटा पार्टिकल की निस्बत, बीटा पार्टिकल की कंपेरेटिवली ज्यादा है। और यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर बीटा पार्टिकल्स पड़ते हैं तो वो अंडर द स्किन तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल, जारी बात, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से इमिट होते हैं। अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी की रेंज है ना, वो 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तक हो सकती है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, आपने ज्यादा एनर्जी दी हो, लेकिन यूजुअली 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तक जाते हैं, जबकि जो बीटा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तक जा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रेडिएशन है जो इमिट होती है वो क्या है, वो गैमा रेडिएशन है। चले पहले न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन क्या करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कोलिजन करती हैं, और चूंकि किसी इलेक्ट्रॉन से 1737 टाइम्स हैवी होते हैं, तो इसलिए न्यूट्रॉन को रोकने के लिए 1737 इलेक्ट्रॉन से कोलिजन चाहिए, जो बहुत मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर स्पेस खाली होती है एटम की। और इसके अलावा ये मूव करते हुए तभी रुकते हैं जब किसी न्यूक्लियस से टकरा जाती हैं और वो न्यूक्लियस भी रेडिएटिव नहीं बनता। तो इसका मतलब है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो उनकी रेंज सबसे ज्यादा, तमाम रेडिएशन में सबसे ज्यादा रेंज इनकी है वो न्यूट्रॉन्स की है। प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन भी आयोनाइजिंग रेडिएशन है, उनका भी जो मोड ऑफ आयोनाइजेशन है वो डायरेक्ट कोलिजन है, और इसके अलावा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन करके इलेक्ट्रॉन खींच के हाइड्रोजन एटम में तब्दील हो जाती है। तो उसके बाद अब मैं बात करता हूँ गैमा रेडिएशन। गैमा रेडिएशन क्या है, गैमा रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या करती हैं, वो तीन काम करती हैं। वो काम करती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो करती है कॉम्पटन्स इफेक्ट, या फिर वो करती है पेयर प्रोडक्शन। तो इस हिसाब से गैमा रेज ने यही काम करना है कि वो किस तरीके से आयनाइज करती है, कि या तो गैमा रेडिएशन अगर बहुत कम एनर्जी के हैं तो वो कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाएंगे और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करवाएंगे। बताता चलूं कि गैमा रेडिएशन वो होती हैं जो कि न्यूक्लियस की डीएक्साइटेशन के नतीजे में जनरेट हों, भले जितनी मर्जी लो एनर्जी की हो, उन्हें गैमा रेडिएशन कहते हैं। तो गैमा रेडिएशन अगर लो एनर्जी की है तो वो क्या कर सकती है, वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा सकती है, कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि कॉम्पटन इफेक्ट है, तो वो क्या है कि इस गैमा रे की एनर्जी का एक पोर्शन एब्जॉर्ब हो और गैमा रेडिएशन जो है वो एक सर्टन एंगल पर स्कैटर करे और इलेक्ट्रॉन भी स्कैटर करे। दूसरा है कि गैमा रे पेयर प्रोडक्शन करवा सकती है, मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल जनरेट करवा सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, और बाकी तमाम पार्टिकल्स भी सेम इसी मेथड में जनरेट होते हैं। ठीक है, ये तीन है हमारे पास जो गैमा रेडिएशन के इंटरेक्शन है। और इसके अलावा एक जनरल ट्रेंड ये है कि अगर आप डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स से डबल फासले पे चले जाओ तो इंटेंसिटी जो है वो चार गुना कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होती है, और इसके अलावा जो एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो एम्पलीट्यूड है वो डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एनर्जी जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स के इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हुई, और इसी तरीके से चूंकि इंटेंसिटी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो ये हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी कि डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स से डबल फासले पे चले जाओ तो इंटेंसिटी गुना कम हो जाएगी। यहाँ पे बात हम क्लासिकल वेव्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा किसी भी, ये जो मैंने ये वाला ट्रेंड बताया ना, ये वैक्यूम या फिर एयर के अंदर की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पे आयोनाइजेशन इसकी बहुत कम है, फ्री स्पेस की बात कर रहा हूँ, फ्री स्पेस के अंदर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। लेकिन अगर कोई मटेरियल हो जैसे एयर, एयर में जारी बात है गैमा रेडिएशन बहुत दूर तक जाती है क्योंकि आयोनाइजेशन बहुत कम करती है, लेकिन न्यूट्रॉन जितनी दूर ये भी नहीं जाती, न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा दूर जाता है। बहरहाल गैमा रेडिएशन की अगर हम बात करें तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, किसी मटेरियल में जाती है तो जितना मटेरियल ज्यादा डेंस होता है उतनी ही कम फासले तक जाती है। जिस तरीके से मैंने अभी इक्वेशन पढ़ाई थी आपको हाफ लाइफ वाली, हाफ लाइफ की इक्वेशन क्या थी, वो थी आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, जहां पे टी टोटल टाइम और लैम्डा डिके कांस्टेंट था किसी मटेरियल के लिए।
अब यहाँ पे लेट से मैं कहता हूँ कि हमारे पास किसी गैमा रेडिएशन की इंटेंसिटी आई नॉट है, ओरिजिनल इंटेंसिटी, और ये गैमा रेडिएशन किसी मैटर के अंदर पेनिट्रेट कर रही है और ये है इसकी रिमेनिंग इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ओरिजिनल इंटेंसिटी, ये आई क्या है, ये है रिमेनिंग इंटेंसिटी, ये क्या है, ये रिमेनिंग इंटेंसिटी है। तो भाई ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फॉलो करती है, लेकिन यहाँ पे पावर्स में लैम्डा और टी नहीं आते, बल्कि क्या आते हैं, म्यू एंड एक्स आते हैं, ठीक है। लैम्डा और टी, लैम्डा का यूनिट पर सेकंड, टाइम का सेकंड कट जाते हैं, एक्स डिस्टेंस है, एक्स क्या है, डिस्टेंस जो कि गामा रेडिएशन किसी भी मटेरियल में मूव करती है, डिस्टेंस है, और म्यू क्या है, वो है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, वो क्या है, वो है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। और म्यू नॉट, म्यू की वैल्यू को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूं कि जो मटेरियल जितना ज्यादा डेंस होता है वो उतनी ही ज्यादा गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसकी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। तो भाई इस तरीके से आप रिमेनिंग इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकती हैं, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही फॉलो कर सकती है, करती है। तो दोनों इक्वेशंस को आप मिला के दूसरे से लिंक करके याद कर सकते हैं। अच्छा, अगर कहा जाए कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के बारे में डिटेल डिस्कस करें, तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे। इक्वेशन क्या है, I is equal to I naught e की पावर माइनस म्यू एक्स, या फिर I over I naught is equal to 1 over e की पावर म्यू एक्स, रेसिप्रोकल ले लो, ये बन जाएगा e की पावर म्यू एक्स over 1 is equal to I naught over I, ठीक है जी। दोनों साइड का नेचुरल लॉग लीजिए, नेचुरल लॉग e की पावर माइनस म्यू एक्स is equal to I naught over I का भी नेचुरल लॉग, ये तमाम ऑपरेशंस आप वो हाफ लाइव वाली इक्वेशन के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको लैम्डा फाइंड आउट करने का कह दिया जाए, टाइम दिया हो, तो आप यही मेथड फॉलो करोगे उधर भी, तो ये बन जाएगा, क्योंकि इक्वेशन है नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर म्यू एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग आई नॉट ओवर आई, तो इस हिसाब से बन जाएगा म्यू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई। तो भाई नेचुरल लॉग ऑफ ई, E क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये नेचुरल लॉगरिथम की बेस है, तो इस हिसाब से ये कट जाएगा। जिस तरीके से आपको पता है कि हम बात करते हैं कि अगर मैं कहूं कि लॉग 10 होगा, तो ये जो लॉग की बेस है ये 10 होती है, तो इस हिसाब से जो 10 ओवर 10 है ना, वो क्या आता है, वो 1 आता है। इसी हिसाब से अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ E करोगे, उसका आंसर 1 आएगा, और ये बन जाएगा म्यू एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई, म्यू क्या बनेगा, ये बनेगा 1 ओवर एक्स टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई। तो एक इक्वेशन इसकी ये वाली है, इसको कोई नंबर दे दीजिए, और दूसरा ये कि चूंकि नेचुरल लॉग में पावर ऊपर आ सकती है, तो ये बन जाएगा आई नॉट ओवर आई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स, ठीक है। सो इस तरीके से हम एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर एक्स फाइंड करना हो तो 1 ओवर यू का आप उस तरफ लेके जा सकते हो। तो ये हमने सारी डिटेल डिस्कशन कर ली है इस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की। अच्छा, ये भी बताता चलूं कि जिस तरीके से 10 की पावर 3 हो तो आंसर 1000 आता है, इस 3 को वापस उतारना हो तो आप लॉग ले लेते हो, लॉग 1000 करते हो तो 3 आ जाता है। इसी तरीके से अगर एक्सपोनेंट जिसकी वैल्यू, एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है, एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है तकरीबन 2.17 तकरीबन की बात की है, इसकी 3 भी होती है। तो अगर आप इस e की पावर में 3 रख देते हो, तो जो भी आंसर आता है आप उस आंसर का दोबारा से नेचुरल लॉग ले लो उस आंसर का, तो दोबारा से क्या आएगा, 3 आएगा। तो एक्सपोनेंट क्या होता है, वो नेचुरल लॉग की बेस होती है, इसलिए नेचुरल लॉग ऑफ e का आंसर क्या होता है, वो 1 आता है, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर बात की गई है, और वो है फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या होती है, फ्लोरेसेंस वो फिनोमेना है जैसे फ्लोरेसेंट स्क्रीन की, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन या कोई और हाई एनर्जी पार्टिकल या वेव आके पड़ती है तो वो शाइन करती है, चमकती है।
होता कि इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं और वापस नीचे गिरते हुए अगर कोई इनडायरेक्ट ट्रांजिशन करते हैं जो सूटेबल एनर्जी रखता हो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन करवाए और डी एक्साइटेशन के दौरान लाइट इमिट हो, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को फ्लोरेसेंस कहते हैं। फिर एक फिनोमेना आता है फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस क्या होती है, एनिमल तो हो सकते हैं, ये देख लीजिएगा। फॉस्फोरेसेंस होती है कि अगर आपने किसी पार्टिकल के ऊपर कोई, किसी मटेरियल के ऊपर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करवाए एनर्जी कैरिंग, तो वो जो एनर्जी है ना वो फौरन से लाइट की सूरत में अपीयर ना हो, बल्कि वो मटेरियल उसको एटॉमिक लेटेस्ट वाइब्रेशंस, दैट मींस क्रिस्टल की वाइब्रेशंस में तब्दील कर ले। क्रिस्टल की वाइब्रेशंस की सूरत में जो एनर्जी बनती है उसको फोटॉन कहते हैं। इसका फोटॉन है ना, तो उसको कहते हैं फोनोन, FHONON। सो जब हमारे पास कोई मटेरियल ऐसा होता है कि उसके ऊपर एनर्जी आके पड़ती है, एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स पड़ती हैं, और वो उस एनर्जी को लाइट की सूरत में देने के बजाय क्रिस्टल की जो बेसिस हैं उनकी ऑसिलेशन की सूरत में स्टोर कर लेता है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता उस एनर्जी को दोबारा से लाइट में कन्वर्ट करके रिलीज करता रहता है, इस फिनोमेना को फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी वॉचेज होती हैं, एनालॉग वॉचेज, डायल वाली, जिसकी जो नीडल्स हैं सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे आपने ग्रुप में ऐड नहीं किया, कर लेता हूँ आजकल हो जाएगा।